ओम शांति। आज मैं बहुत ही अलग तरह से छोले और भटूरे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो काबली चना। उसको 8 घंटे फुला दिया है। उसके बाद उसमें नमक डाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के बॉयल कर लेंगे। अब भटूरे के लिए आटा लेंगे। मैंने यहाँ 1 kg गेहूँ का आटा लिया है और 1/2 kg मैदा लिया है। उसमें 2 चम्मच तेल डाला है, नमक डाला है, 2 कटोरी दही का इस्तेमाल किया है और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिला के पानी की सहायता से गूंथते हुए गूंथ लेंगे। उसके बाद इसको 4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। छोले के लिए मसाला लेंगे, जिसके लिए मैंने लिए 6 टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गोल मिर्च, 4 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसमें जीरा देंगे, तेजपत्ता देंगे, दालचीनी देंगे, लौंग देंगे, हींग देंगे और पिसे हुए मसाले को इसमें डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। और इसमें बॉयल किए हुए छोले को डालेंगे। देखिए मेरे छोले कितने नरम हुए हैं। अब इसको इसमें मिला देंगे। और यहाँ मैंने गरम पानी इस छोले में डाले हैं और इसको भी 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे, जिससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। यहाँ 1 चम्मच मैंने छोले मसाले का इस्तेमाल किया है। और पकने के बाद धनिया पत्ता से इसको गार्निश कर लेंगे। ये मेरे छोले आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। ना इसमें मैंने आंवले का इस्तेमाल किया है और ना ही चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। मैं कश्मीरी मिर्च डालना मसाले में भूल गई थी, इसलिए ऊपर से डाल के पका रही हूँ। अब 1 घंटे के बाद मेरे आटे फूल चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह से मसल के लोई अपने हिसाब से आप ले सकते हैं और तेल की सहायता से इसको अपना साइज दे सकते हैं। मैंने बेल के इसको गर्म तेल में तल रही हूँ। देखिए ये भटूरे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, एकदम फूले फूले सॉफ्ट। अच्छी तरह से इसको आगे पीछे सेक लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे भटूरे को तैयार कर लिया है और ये भटूरे बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम शांति।